फिरण की हालत फिर हजरत मूसा अलम को वही की गई कि पानी पर अपनी लाठी मारो जूं ही आपने लाठी मारी तो समंदर में रास्ता बन गया और पानी पहाद्धों की तरह खड़ी हो गई सबके सब उस रास्ते से बाहर निकल गए अब जैसे ही फिरौण और उसका लश्कर पानी के पास पहुंचे तो देखा कि समंदर में रास्ता बना हुआ है पहले तो फिरौण डरा के ये क्या माजरा है लेकिन फिर उसने अपने घुड्ढे और लश्कर को लेकर उस रस्ते पर दाखिल हुआ इधर बनी इसराइल का आखिरी आदमी समादर से निकल रहा था और दूसरी तरफ फिरौन का आखिरी आदमी समंदर में दाखिल हो रहा था अल्लाह ताला के हुक्म से पानी जा मिला और फिरौन और उसका लश्कर पानी में गर्क हो गए जब फिरौन डूब रहा तो कहने लगा कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूं उस वक्त तौबा कबूल नहीं हुई क्योंकि मौत के आखिरी वक्त में जब फरिश्ते देखने लगते हैं तो तौबा कबूल नहीं होती अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे ही अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें